अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाई जाती है। वैसे तो ये बेसिक चीज़ है, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में भी काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं और काफ़ी लोगों को इसके जो बेसिक टूल्स हैं वो पता नहीं होते। तो जिनको पता नहीं होते या जो खासतौर पर स्टूडेंट्स हैं उनको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत काम आएगी, तो उसको बहुत सुनिएगा, देखिएगा कि किस तरह से बेसिक जो चीज़ें होती हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है आपको बहुत काम आएगी बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हो गई, अब इसके बाद हम देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे हमें पहले जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो फाइल है वो ओपन करना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल करने के दो तरीके हैं कि कहाँ से ओपन करना चाहिए हमें। वैसे तो स्टार्ट जो मेन्यू है वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा एक न्यू में आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर तीन चार ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पब्लिशर डॉक्यूमेंट एंड एमएस एक्सेल। ठीक है, तो हमें चाहिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको ओपन करने से पहले हम इसको अगर हम नाम देना चाह रहे हैं, हम नाम देना चाहिए हमें कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्या आप नाम देना चाहते हैं। लेट सपोज कि मैं आज जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूँ वो है कि आपको हम सिखाएंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना कैसे है। तो इसको हम जो नाम देंगे वो देंगे हाउ टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये नाम लिखने के बाद इसको एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद इसके अंदर जो सबसे पहले फर्स्ट जो पेज ओपन होगा दिस इज ब्लैंक पेज। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे न्यू स्लाइड। तो ये जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट है, इसको हम चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है इसको हम देखें फर्स्ट पेज के बाद देखें तो दूसरा जो पेज होगा, नेक्स्ट जो पेज होगा, सेकेंड पेज होगा, उसकी सेटिंग इस तरह से है। इसके फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हेडिंग के लिए और नीचे वाला जो बॉक्स है वो इसके डिस्क्रिप्शन के लिए। तो फर्स्ट हम पहले हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट पेज है जिसमें हमने हेडिंग देनी है और सब पॉइंट देनी है, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज डिलीट करके आप अपनी तरफ से भी जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऐड करना चाहें तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो दिया गया है वो भी उसको यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपना जो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हमने ये ऐड कर दिया तो ये इसकी इसका जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट साइज ये सेट किया गया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसका साइज इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो या से कम हो, तो हम इसको कर सकते हैं कि मुझे जो मैं जिस चीज़ को लाइक करता हूँ उस हिसाब से इसको करूँगा कि मुझे इसका साइज यहाँ तक ठीक लग रहा है। ठीक है, और इसकी जो अलाइनमेंट है हमने लेफ्ट रखनी है। इसके बाद इसकी जो सेकेंडरी पॉइंट्स हैं वो भी हम ऐड कर देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा इसका इसकी अलाइनमेंट भी हमने या तो लेफ्ट पर रखनी है या तो फिर हमने इसको सेंटर पर रखना है। अच्छा, ये तो हो गई हेडिंग। अब इसके अंदर नाम ये देने के बाद इसको हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहें या इसके कलर चेंज करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर दें और इसका जो कलर है वो अगर आप और देना चाहें तो कोई भी आप दे सकते हैं, ब्लू देना चाहें, ग्रीन देना चाहें। लेकिन कलर देने से पहले अगर आप इस चीज़ को रखें कि आपने इसके बैकग्राउंड में कोई डिज़ाइन देना है या ऐसे रखना है, अगर डिज़ाइन देना है तो डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद कलर दें, क्योंकि डिज़ाइन का भी अपना एक कलर होता है। तो यहाँ से डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऊपर जाके, तो अगर यहाँ से इनमें से कोई भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइट हल्का सा कोई कलर का जो डिज़ाइन है वो हम दे दें, तो मेरी ये है, आप अगर कोई और चूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर हमें एक और ऑप्शन भी है कि ये डिज़ाइन तो जो बेसिक है वो ग्रीन दिया हुआ है, इसका अगर कलर हम चेंज करना चाहें
कोई और रखना चाहें तो भी हम रख सकते हैं, ये भी अगर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा डार्क बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं या लाइट बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, तो मैं चूज करूँगा लाइट बैकग्राउंड को। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं कि क्योंकि इसका जैसे हम डिज़ाइन चूज करेंगे तो उसके साथ साथ कलर भी खुद ही सेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं कलर हम और ऐड करना चाहें तो और भी इसके अंदर कलर हम चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे डार्क ग्रे कलर है, हम चाह रहे हैं अगर ब्लैक दे दें तो हम ब्लैक भी कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ हम चाह रहे हैं कि इसी का कलर थोड़ा लाइट से मिलता जुलता हो तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मिलता जुलता कलर है वो लुक में सही नहीं लगा, तो इसका अपना जो माई डिफॉल्ट कलर है वो सही लग रहा है, तो हमने वही इसको रहने दिया है। अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे, सेकंड स्लाइड पे आएंगे, तो यहाँ पे इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो इस तरह की है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस तरह की सेटिंग ना हो, हम अपने हिसाब से अपना जो बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स हम खुद एड करेंगे, तो इसको हम सेलेक्ट करके दोनों को और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे और अपनी मर्जी से हम टेक्स्ट बॉक्स एड कर सकते हैं, लेकिन अगर जो दिया गया टेक्स्ट बॉक्स था उसको हम ऐड करना चाहें, वही हम यूज़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते थे। ठीक है, अब इसकी हेडिंग जो है हम देना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम ये हेडिंग देना चाह रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है वो ये है, आपने ये लिख लिया टॉपिक, टॉपिक लिखने के बाद इसकी आपने अलाइनमेंट सेट करनी है, आप सेंटर पर लेकर आ गए और इसका कलर भी वही जो बाय डिफॉल्ट है ब्लैक है, तो आप ब्लैक रहना चाहेंगे इसको रखना चाहेंगे या कुछ और चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे कलर इसका चेंज हो जाएगा। अच्छा एक और बात है कि हेडिंग इसका जो साइज है ये बाय डिफॉल्ट पहले चेंज था, ज़्यादा था, तो हम इसको सिमाल कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इसी तरह से हम इसकी अगर हम सेटिंग करें कि यहाँ पर भी इसी का जो साइज़ है वो कुछ और है, हम कुछ और करना चाह रहे हैं, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड है जैसे मैंने आपको प्रीवियस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया था कि हम जो यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो 36 करते हैं, ठीक है, हेडिंग के लिए अगर आप 36 करना चाह रहे हैं तो 36 कर सकते हैं, अगर आप उसको कम करना चाह रहे हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट करके 28 रखना चाहें तो 28 भी ठीक रहता है। इसके बाद आता है टेक्स्ट का जो फॉन्ट, आपने फॉन्ट कौन सा सेलेक्ट किया है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि फॉन्ट आपने दो सेलेक्ट करना है, या तो एरियल रखना है या तो टाइम्स न्यू रोमन रखना है, इन दोनों में से कोई एक रखना है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है एरियल। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद जो चीज़ हम ऐड करेंगे टेक्स्ट की डिटेल, उसके लिए अलग से हमने बॉक्स ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे चूज करके सेलेक्ट किया, यहाँ पर रखा और लेट सपोज यहाँ पे हमने 5 या 6 पॉइंट इसकी देनी है कि हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन और इसके अंदर क्या क्या होता है और क्यों होता है, क्या करना सकते हैं, कब इसके अंदर हमने कौन कौन सी पॉइंट्स ऐड करनी है, तो हम ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या आप यूँ कर सकते हैं कि इसका इसके बीच में 2, 3 या 4 पॉइंट्स दिए तो इसका मार्जिन कितना रखा हुआ है और ये मार्जिन आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पैराग्राफ में जाएंगे और ये सिंगल स्टेप सिंगल स्पेस दिया हुआ है, इसको आप 1.5 भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, चूज करने के बाद इंटर करेंगे तो इसका स्पेस ऑटोमेटिकली इक्वली हो जाएगा, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जितना आप टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा स्पेस। अच्छा, इसके अंदर ये अगर आप चाह रहे हैं कि बुलेट फॉर्म में देना चाह रहे हैं या नंबर फॉर्म में देना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बुलेट फॉर्म में आ जाएगा, बुलेट में भी आप ये चाह रहे हैं कि बुलेट फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो आप अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं तो ये डिज़ाइन भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये डिज़ाइन दूँ तो ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि जो भी इनमें से डिज़ाइन सेलेक्ट करें, जो भी इनमें से टेक्स्ट का जो साइज यूज़ करें एंड जो भी इनमें से फॉन्ट का स्टाइल यूज़ करें, पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर वही आपने रखना है, तो यहाँ पर भी फॉन्ट हमने जो सेलेक्ट करना है एरियल का और जो साइज़ है वो 18 है, तो स्टैंडर्ड साइज टेक्स्ट का जो है वो इतना ही है, इससे ज़्यादा हम देंगे तो फिर आपका जो इतना पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की जो अपीयरेंस है वो थोड़ी अफेक्ट करेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो मैंने आपको लास्ट प्रेजेंटेशन बताई थी कि एक ये जो होगी मेन पॉइंट्स, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं
जो कि आपने सेकेंडरी पॉइंट्स फॉर्म में देनी होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने इसके बाद जो कुछ ऐड करना है वो ये सेकेंडरी पॉइंट है, तो सेकेंडरी पॉइंट आपने इसका जो साइज है वो कम कर देना है, उसको आपने लेके आना है 14 पे या 16 पे, और यहाँ पे इसका जो बुलेट का जो डिज़ाइन है वो आपने ख़त्म कर देना है, या अगर आपने इसको बुलेट में भी रखना है, इसी को भी रखना है, तो इसका बुलेट का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर देना है, वो रखना है आपने ये वाला। तो अंडरस्टूड कि सामने वाला इसको समझ सकेगा कि ये क्योंकि साइज भी इसका इस्तेमाल है और इसका बुलेट भी चेंज है, तो ये या तो सेकेंडरी पॉइंट है या तो ऊपर वाले पॉइंट से ये डिफरेंट है। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन जो स्लाइड है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद ये तो दो स्लाइड होंगे, इसके बाद तीसरी स्लाइड हम ऐड करना चाहें, चौथी करना चाहें, पांच करना चाहें, छः करना चाहें, जितनी भी हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम मैं चाह रहा हूँ कि नंबर फाइव स्लाइड पे कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, तो फाइव नंबर प्लेट स्लाइड पे जो पिक्चर मैं दूंगा वो मैंने यहाँ पे एक कॉपी की हुई है, वहाँ से कॉपी करके और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपको शो हो रही है उसी के अंदर मैं ये कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जो टॉप जो बॉक्स दिए गए टेक्स्ट बॉक्स को उसको मैं डिलीट कर लूँगा, क्योंकि इससे पहले जो है हमने खुद अपनी मर्जी से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किए, ये आपको शो हो रही है एक पिक्चर जो इसके अंदर मैंने एड की है। अब जैसे ही आप पिक्चर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको नजर आने ये डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो आपको शो हो जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे सामने आपके, जो भी आप इनमें से डिज़ाइन देना चाहें या एज इट इज जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है वही देना चाहें, अप टू यू, कोई भी आप कर सकते हैं। मैंने इनमें से ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया। अब इस तरह से जितनी भी आप पिक्चर्स या जो भी आपका जो मैटर है, जो भी मटेरियल है आपका, वो ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये बाकी जो जितनी आपने स्लाइड्स ऐड की हैं उन सब के अंदर जितने भी ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं वो आपने डिलीट करने हैं, क्योंकि आपने ये सिलेक्ट किया है कि आपने अपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने हैं अपने मुताबिक, अपने उनका जो डिज़ाइन या जो कुछ भी है मटेरियल वो अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये टूल बॉक्स यहाँ से पकड़ के आपने इसको डिलीट कर देना है। अब एक और चीज़ है कि इनमें से ये जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें भी कुछ ऐसा टेक्स्ट मैं यूज़ करूँ, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ लिखा है। ठीक है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, सिलेक्ट, मैंने कुछ भी लिख लिया। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अलग से डिज़ाइन में ना मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ से डिज़ाइन को एक में दे दूँगा, ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। अब ये टेक्स्ट आपके शो नहीं आ रहा क्योंकि इसकी सेटिंग जो ना वो होती है, वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको लेकर आएंगे ब्रिंग इन फ्रंट, क्लिक करेंगे, एक बार सेंड टू बैक ये एलईडी किया हुआ है, अब इसको हम लेकर आएंगे ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये आ गया फ्रंट पे। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे सेंटर में लेकर आएंगे, इसके अलाइनमेंट सेट करेंगे, अलाइनमेंट सेट करने के बाद इसको ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे तो ये आपको सेंटर पूरा नज़र आ रहा है, ये सेंटर पर है। अब इसका जो साइज़ है वो भी स्टैंडर्ड है, लेकिन इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमने चेंज कर दिया, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर दिया, और इसको हम कलर हम इसका चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ऐसा कलर लेना चाहें जो कि यहाँ पे अच्छे तरीके से विजिबल हो, हमने इसके कलर सेट किया। या हम जो स्टैंडर्ड है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर हम यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई यहाँ तक सेटिंग। अब हम चाह रहे हैं कि जो डिज़ाइन से या जो ट्रांजिशन से या एनिमेशन से हम वो चूज़ करें। ट्रांजिशन में अगर हम देखें ज़रूरी नहीं होती देना, लेकिन कुछ जो है कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो इनमें से कोई भी आप डिज़ाइन जो ना वो दे सकते हैं। ठीक, तो ये आपको श्योर है कि इनमें से जो भी आपको डिज़ाइन बेहतर लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी इनमें से डिज़ाइन दें वो एक ही पूरी प्रेजेंटेशन में एक ही शेप का हो। अगर मल्टीपल डिज़ाइन देंगे तो वो
आपकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव जो ना वो नहीं बनाएगा। तो हमने जस्ट कोई भी एक इनमें से देना है, ठीक। लेट्स सपोज हमने ये सिलेक्ट किया, अप टू यू कि आप कोई भी इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड जो होगी उस पर भी हमने ये सिलेक्ट करना है, ठीक। थर्ड पे भी हमने यही करना है, फोर्थ पर भी, वैसे जितना सिंपल रखेंगे उतनी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी रहेगी। लेकिन ट्रांजिशन से कोई वो नेगेटिव इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक। अब आती है बात एनिमेशन की, आपने जो टेक्स्ट ऐड किया है उसकी एनिमेशन आप चाह रहे हैं कि सेट करें, आप इनकी जो एनिमेशन है यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। एनिमेशन के भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, कौन सा आप देना चाह रहे हैं, ये वाला देना चाह रहे हैं, ये वाला देना चाह रहे हैं, स्क्रिप्ट में देना चाह रहे हैं या कोई स्टार शेप में देना चाह रहे हैं, ये देना चाह रहे हैं, ये वाला देना चाह रहे हैं, ये देना चाह रहे हैं, बाउंस में देना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सिंपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अप्लाइंग, अच्छा, इसके अंदर जितने आपने टेक्स्ट बॉक्स दिए होंगे उस टेक्स्ट बॉक्स को अलग अलग से आपने एनिमेशन के लिए सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, ये एनिमेशन आपने सिलेक्ट कर दी, कौन सी है, कौन सा डिज़ाइन है, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना होगा कि ये एनिमेशन खुद चले, आपको क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। तो आपने ये वाला विथ प्रीवियस का ऑप्शन जो है ना वो चूज करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि ऑन क्लिक हो तो आपने ऑन क्लिक, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आएगी। इसके बाद आता है कि चूज करनी है चीज़, वो है कि टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन आपने कितना चूज करना है। अगर आपने 50.50 सेकेंड चूज किए तो ये बाय डिफॉल्ट है, अगर इसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये 0.75 पे रखना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, या और डिले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है 0.5 तो ये सही है, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको हमने इसका जो देना है एनिमेशन वो आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको दिया अप्लाई इन, क्योंकि इससे पहले भी हमने यही दिया है, इसका भी साइज वही है, ऑन क्लिक हो, ठीक। और इसके अंदर, अच्छा, इसका एक और फायदा भी है कि इसको आपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके और एक ही दफ़ा में आपने दिया ये वाला। लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो जितनी भी जो पॉइंट्स हैं ये अलग अलग से प्रेजेंट हो, तो आपने फिर इसको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको चूज करना है, तो ये आपकी जो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिर यहाँ पे आपने इसको करना है कि ये हो जाए ऑन क्लिक, तो ये भी हो जाएगा तब जब आप इसको क्लिक करेंगे, और ये भी हो जाए ऑन क्लिक, तो ये भी बाद में आएगा जब आप इसको क्लिक करेंगे, और इसको भी ऑन क्लिक पे रखना है, ठीक है। तो इसकी जो अपीयरेंस है वो इस तरह से हो जाएगी, डन। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन में एक अच्छा लुक दे देगी कि आपने अलग अलग से अपनी जो पॉइंट्स हैं वो ऐड किए हैं। सेम उसी तरह से नेक्स्ट जो हमने स्लाइड है तो उसके अंदर भी इसे कि हमने एनिमेशन देनी है, ये वाली देनी है। अब इसके अंदर टेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो भी है और टेक्स्ट को, दोनों को सिलेक्ट करके हमने देना है, तो दोनों एक साथ आ जाएँ, ठीक है। तो ये हमने इसको ये डिज़ाइन दिया ताकि दोनों एक साथ आ जाएँ। इसका प्रीव्यू देखना चाहें कैसे शो होता है, ये इस तरह से शो होगा, गुड, ओके। और इसके बाद हम आते हैं एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात है जो काफ़ी लोग जो ना वो या तो जानते नहीं है या तो इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैंने जो पांच स्लाइड नंबर 5 पे ये पिक्चर दी है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं जब मैं ये प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ और इसमें हम जब सेकेंड पॉइंट पे पहुँचे हों उस वक्त इसमें वाई को क्लिक करूं तो वो वाला जो कैमरा वाली जो है स्लाइड वो ओपन हो, तो हमने इसके साथ हाइपरलिंक ऐड करना होगा। हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं कि लेट्स सपोज इसको हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने इस पर करना है वाई पे, पॉइंट नंबर जो सेकंड जो पॉइंट है वो
उसका, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे इसके जो डिटेल दी गई है हाइपरलिंक की, हाइपरलिंक पे आएंगे। हाइपरलिंक ऐड करने के लिए हमें ये है कि हमें कहाँ से ऐड करना है। इसके अंदर दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है कि आप अगर आपने आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा है वो ऐड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्लाइड के अंदर जो प्रेजेंटेशन आपकी है उसमें अगर कोई प्रेजेंटेशन की स्लाइड है कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। मिसाल हम दिखाना चाह रहे हैं कि 5 नंबर स्लाइड पे जो कैमरा है, कैमरा की जो पिक्चर है वो हम दिखाना चाह रहे हैं, तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। कौन सी नंबर की स्लाइड है, स्लाइड नंबर 5, ठीक सिलेक्ट हो गई। जैसे सिलेक्ट होगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अंडरलाइन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ये इसके अंदर हाइपरलिंक ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे और ये इसको ओवरव्यू, इसका इसका जो व्यू है वो इसे देखेंगे हम किस तरह से व्यू इसका शो हो रहा है। यहाँ पे ये कलर भी इसका ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा, जब भी इसको हम हाइपरलिंक करेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये दोनों कलर सेम हो तो इसका दोनों का कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर आएंगे इसको क्लिक करेंगे तो वही पिक्चर वाली स्लाइड आ जाएगी। वैसे अगर ये इसका ये फायदा है कि अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम इसी को दिखा के फिर वापस उसी जगह पे आ जाएं तभी हम इसकी ये वाली जो हाइपरलिंक है वो ऐड करते हैं, तो या वापस आपके ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है बगैर बंद किए बगैर व्यू ख़त्म किए हम उसी जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरह की हाइपरलिंक्स आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको एक अच्छा लुक दे देगी। इस तरह से और भी बहुत सारी और इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी अच्छी और भी बातें हैं, हम ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड में अगर आप कोई पिक्चर लेना चाहें थैंक्स की, थैंक यू की, तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन सिंपल आप थैंक्स लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छा लुक देगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लाइक करता हूँ कि मैं थैंक्स सिंपल इस फॉर्म में लिख दूँ। और इसका जो साइज़ है जैसे हमने हेडिंग में दिए शुरू में हमने दी थी 45 साइज का दिया हमने, और इसका जो फोन स्टाइल दिया था हमने वो एरियल दिया है, और इसका जो कलर हमने शुरू में यूज़ किया वो ग्रीन ही किया है, तो यहाँ पर भी हमने वही ग्रीन यूज़ करना है। और साइज अगर लग रहा है कि आपको थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहे तो हम और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम अगर आप चाह रहे हैं कि इसका डिज़ाइन हम थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, इस तरह से देना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जिस तरह से आप इसकी जो डिज़ाइन की सेटिंग है चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट इसकी यहाँ से आप डिज़ाइन के जो फॉर्मेट है इंसर्ट करेंगे तो और भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर ये जो नज़र आ रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें। लेकिन आप इस तरह का रुख दे देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, इस तरह से आपका जो व्यू होगा वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके अंदर आप प्रीव्यू देखना चाहें कि आपकी प्रेजेंटेशन शुरू से लेके आखिर तक किस तरह से नज़र आ रही है तो आप ये देख सकते हैं। आपकी फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, और इसमें आपने दिया है हाइपरलिंक, इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी हाइपरलिंक वाली जो स्लाइड है वो आ जाएगी। और इसके बाद इसको हम वापस लेके जाएंगे जहाँ से हम इसको सुना था लास्ट व्यू में आएंगे, तो वही स्लाइड आ जाएगी वापस। और उसके बाद ये आपका थर्ड पॉइंट, इस तरह से। ये तो मैंने आपको जस्ट प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका बताया। अब इसके अंदर जितना आपका मटेरियल होगा, आपने 10 स्लाइड ऐड करनी है, 20 स्लाइड ऐड करनी है, 40 करनी है, जो भी है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो आपका यही चलेगा। ठीक है, तो ये हो गई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। आप इस वीडियो को देखें और अगर आप चाह रहे हैं कि इसके इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रही वो आप करना चाह रहे हैं तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।